समस्याओं का भंवर नगर परिषद बकहो। आमरण अनशन के दूसरे दिन भी लगातार जारी नगर परिषद बकहो। जिले की नगर परिषद बकहो में आमरण अनशन दूसरे दिन भी लगातार जारी है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आला अधिकारियों को खबर नहीं। नगर परिषद अध्यक्ष मौसमी केवट महोदया को जनता की कोई फिक्र नहीं। भूखे प्यासे 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पानी की समस्या को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं पार्षद। वह जनता की समस्या को लेकर निश्चितकालीन चलता रहेगा ये आमरण अनशन, जिसमें सम्मिलित वार्ड नंबर 6 के पार्षद ब्रजकिशोर यादव, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा शहडोल सरोज यादव, अंत्योदय समिति नगर परिषद बकहो, भारतीय जनता पार्टी मंडल मंत्री बुढ़ार महेंद्र सिंह उर्फ संजय अशोक चौरसिया, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष शहडोल लक्ष्मण गौतम, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश मुंदड़ा, अभिषेक सिंह उर्फ मम्मू सिंह, समाजसेवी कार्यकर्ताओं संतोष कुमार, सत्यदेव सिंह पूर्व इंडियन आर्मी, रिटायर्ड आदित्य प्रताप सिंह पानी की समस्या को लेकर सभी जनता व पार्षद मिलकर जमकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। पानी की समस्या को लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस भीषण गर्मी में यदि पानी की समस्या का निदान नहीं किया गया तो त्राही त्राही मच सकती है। जबकि जिले के आला अधिकारी गांव गांव तक पानी की समस्या का निदान कर गाँव की जनता तक पानी पहुँच रहा है, फिर भला ये नगर परिषद बकहो पानी की समस्या से अछूता क्यों है? अधिकारियों के होने के बावजूद भी पानी की समस्या का निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अब देखना यह होगा कि नगर परिषद बकहो का आमरण अनशन जारी रहेगा या अधिकारी जल्द इस समस्या के आश्वासन का झुनझुना पकड़ाएंगे या वाकई समस्या का निदान होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नगर परिषद बकहो में अनशन आप लगभग दो दिनों से चल रहा है आपका, बताएं। दो दिनों से हम यहाँ पास बैठे हुए हैं। प्रशासन से सीएमओ मैडम से कल बात हुआ तो बोले कि हम कार्रवाई कराते हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई वो नहीं दिख रहा है। आला अधिकारी भी अभी तक यहाँ पास तो नहीं पहुँच पाए। हमारे यहाँ नगर परिषद बकहो में कुछ ऐसी मार्गें हैं जहाँ पास जो है सकरी गलियाँ हैं, उस मार्गों से ट्रैक्टर की टैंकर की व्यवस्था के लिए बोल रहे हैं तो टैंकर कहाँ से जा पाएगा? आप स्वयं बताइए कि कहाँ से जाएगा वो टैंकर, उस गलियों में जा ही नहीं सकती है गाड़ी। उनके लिए कोई व्यवस्था किया जाए ना। तब से कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक हम अपना अनशन ख़त्म नहीं करेंगे। हम यहीं अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन अब हम उठेंगे नहीं जब तक उचित व्यवस्था नहीं होता और लिखित में हमको दें। सिर्फ नाम के लिए अधिकारियों ने सिर्फ कर दिया है कि हमने तत्कालीन व्यवस्था कर दिया है, लेकिन जिस जगह पे ज़रूरत है उस जगह पे पानी नहीं पहुंच रही है। रोड में सिर्फ हमको ले जाकर रोड घुमाने से टैंकर रोड पे घुमा देंगे तो पानी नहीं पहुँच जाएगी पब्लिक के पास। अगर हम गलियों में जाने की व्यवस्था अगर जब तक नहीं बनाएंगे कि वहाँ तक पानी कैसे पहुँच पाए, तब तक ये व्यवस्था नहीं होगा। ये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अभी जो है सिर्फ वो दिखावे का काम है, रोड पे टैंकर दौड़ा दिए हैं, उससे समस्या का समाधान हो जाए। इससे किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है।